अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सैटरडे वाला दिन है और सुबह के 8:30 का टाइम है और अगस्त का मंथ है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अनकरीब हम ट्रिप पर निकलने वाले हैं, तो फाइनली आज हम लोग ट्रिप पर निकल रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग बनारस बस टर्मिनल तक पहुँच गए हैं। तो ये हमारी कोच है अहमद ब्रदर्स, जिसमें हम कराची टू लोअर दीर इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे। तो अहमद ब्रदर्स कोच का जो फेयर है वो 3500 पर हेड है। तो हम ये देखते हैं कि अहमद ब्रदर्स कोच हमें कराची से लोअर दीर तक कैसे लेकर जाती है, इनका स्टाफ कैसा है और इनकी सर्विस कैसी है। और इस वक्त कोच में पैसेंजर्स का लगेज लोड किया जा रहा है। तो इस वक्त बस को चलने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना बनारस बस टर्मिनल का विजिट कर लिया जाए। तो ये सारी कोचेस खड़ी हैं बनारस बस टर्मिनल में और अपने पैसेंजर का वेट कर रही हैं, और थोड़ी देर में ये भी सारी निकलेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस टर्मिनल का भी विज़िट करवा दूं, क्योंकि हमारी बस को चलने में अभी थोड़ा टाइम है। 9:30 या 10 बजे के अराउंड में हमारी बस रवाना होगी इंशाल्लाह। तो इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारी कोच अब चलने वाली है, तो हम अब कोच के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। तो कोच का हमने एक्सटीरियर तो खूब अच्छे से देख लिया है, अब हम कोच का इंटीरियर देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कोच है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे लग्जरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल होती है ये कोच। और ये यू टोंग डबल ग्लास बस है। फर्स्ट टू फोर हमारी फ्रंट की सीट है और हर एक सीट के साथ टेबल भी दी गई है, जिसमें हम अपना ग्लास भी होल्ड कर सकते हैं। और हमने इस कोच की बुकिंग तकरीबन 15 दिन पहले ही करा ली थी, क्योंकि हमें फ्रंट की सीट्स चाहिए थी। और अब जो हमारी कोच है वो बनारस बस टर्मिनल से रवाना हो रही है और अल आसिफ बस टर्मिनल की तरफ जा रही है। तो तकरीबन 10:07 पर हमारी कोच बनारस बस टर्मिनल से रवाना हो रही है। तो व्यूअर्स, अब हमारी कोच अल आसिफ बस टर्मिनल के अंदर एंटर हो रही है। और ये जो सामने आप ब्लू कलर वाली कोच देख रहे हैं, ये गुले कश्मीर कोच है और लास्ट ईयर हम इसी कोच में कश्मीर गए थे। तो यहाँ से काफ़ी सारे पैसेंजर्स को बिठाने के बाद फाइनली हमारी कोच अल आसिफ बस टर्मिनल से रवाना हो रही है। और कोच टर्मिनल से बाहर निकलकर हाईवे पर आ चुकी है और अपनी मंजिल पर रवाना है। और इस वक्त जो टाइम है 11:15 हुए हैं सुबह के। कोच चल पड़ी है और यह आ गया कराची टोल प्लाज़ा। यहाँ से हम एक्सिट होंगे कराची से और खुदा हाफिज़ करेंगे कराची को, और इसके बाद शुरू हो जाएगा कराची हैदराबाद मोटरवे, यानी कि M9 मोटरवे। बस चल पड़ी है और इस वक्त हम बहरिया टाउन से गुजर रहे हैं। और इस वक्त हमारी कोच डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी से गुजर रही है, यानी कि DHA की तरफ से गुजर रही है। तो आज 14 अगस्त वाला दिन है और कोच के अंदर बॉयज नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बहरिया टाउन के आगे का इलाका है और राइट साइड पर फिएस्टा वाटर पार्क मौजूद है। और इस वक्त जो है दोपहर के 12:30 का टाइम है और हमारी कोच हैदराबाद टोल प्लाजा के अंदर एंटर हो रही है। और इस वक्त जो आप लोगों को ये पानी नज़र आ रहा है, ये दरियाए सिंध है। देखें कितना ज़बरदस्त दरियाए सिंध नज़र आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा दरियाए सिंध का व्यू है, तो इस व्यू को आप लोग इंजॉय कीजिए। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त हमारी बस गुजर रही है हैदराबाद शहर से। आप देख सकते हैं आपके सामने ये घर और अपार्टमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाईवे से हैदराबाद शहर का एक व्यू है। मोटरवे से ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है। कराची टू हैदराबाद मोटरवे का टोटल डिस्टेंस 136 किलोमीटर है। शुरू शुरू में आपको सेम ज़्यादा ज़मीन नज़र आती है, लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता केले, खजूर और आम के बाग़ात आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि हम लोग शहरों के रहने वाले हैं, तो हम लोगों को इस तरह के बाग़ात देखने को बहुत ही कम मिलते हैं।
तो इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं और बस ने लंच के लिए तकरीबन हाफ आवर के लिए स्टे लिया है। ये सईदाबाद का इलाका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उतरे, फ्रेश हुए और फिर उसके बाद हमने लंच किया। तो लंच में मैं घर से शामी कबाब बनाकर लेकर आई थी और गर्मा गर्म रोटी हमने होटल से ऑर्डर की, और बच्चों के लिए मैं मैक्रोनी बनाकर लेकर आई थी क्योंकि मेरे बच्चे मैक्रोनी बहुत ही शौक से खाते हैं। और अब हम खाना खाने के बाद होटल से थोड़ा बाहर निकले हैं और आसपास की शॉप्स का हमने विजिट किया। यहाँ पर हम एक शॉप पे आए हैं, इसके ऊपर अदरक हैं, छोटे प्यारे प्यारे शॉल्स हैं, सिंधी टोपी हैं और ये प्लेट हैं, ये सब हाथ से बने हुए। ये अदरक कितने की है? ये वाली या सारी आप 1200 की? और उधर जो एक कोने वाली क्या ऊपर? हाँ ऊपर, या आप ऐसे बताएं। ये कहाँ से बनकर आएंगे? आला से। और ये वाली, ये वाला जो, हाँ ये 850 का। और ये क्या है, ये क्या चीज़ है? रुमाल है। हाँ, इस जगह का नाम क्या है? सईदाबाद है। तकरीबन हाफ आवर के स्टे के बाद अब हमारी बस चल पड़ी है। हम लोग इस वक्त सईदाबाद में हैं और अब उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। खाना खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, और खाना बहुत मज़ेदार था। और इस वक्त हम नवाबशाह से गुजर रहे हैं, ये सारा नवाबशाह का इलाका है। और इस वक्त हम रानीपुर से गुजर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड पर रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक में कोई एक आध ट्रेन भी जाती है और मालगाड़ी का भी यहाँ से गुजर होता है। और अब हमारी कोच खैरपुर से गुजर रही है, तो खैरपुर से हमने बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मीठे अमरूद लेकर खाए। तो ये सारा इलाका खैरपुर का है, तो बाय रोड ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको रास्ते में लैंडस्केप और छोटे छोटे शहर देखने को मिलते हैं जो आपको एरोप्लेन और ट्रेन से देखने को नहीं मिलते। तो आपने अब तक बाय रोड ट्रैवल नहीं किया है तो समथिंग रियली मिसिंग यू, सो वन प्लान टू। इस वक्त हम लोग सखर रोड़ी के इलाके में पहुँचे हैं और ये हमारी यूटोंग बस है और ये सारा हाईवे है सखर रोड़ी का। और अब हम चाय पियेंगे शाम की, और इस वक्त जो टाइम है 8:19 हुए। होटल का नाम सवाद बाजोड़ है और यहाँ पर हमारी कोच ने असर की नमाज के लिए स्टे किया है। तो इस वक्त शाम के तकरीबन 7:15 का टाइम है। तो इस वक्त हम सखर मोटरवे पर एंटर हो चुके हैं, ये M5 मोटरवे है और ये मोटरवे हमें इस्लामाबाद तक लेकर जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है और बहुत ही स्मूथ मोटरवे है, और इस मोटरवे में ट्रैवलिंग का अपना अलग ही मज़ा है। और ये मोटरवे बहुत सी बिग एंड स्मॉल सिटीज से होता हुआ गुजरता है। और इस वक्त 8 बजे का टाइम है और हमारी बस ने मगरिब की नमाज के लिए 15 मिनट का स्टे लिया है खानपुर में। 15 मिनट की स्टे के बाद अब हमारी कोच आगे की तरफ चल पड़ी है। और इस वक्त तकरीबन रात के 8:30 का टाइम है और हमें अहमद ब्रदर्स कोच की जानिब से रिफ़्रेशमेंट के बॉक्स दिए गए हैं, और ये बॉक्स देखने में कुछ इस तरह से हैं। हालांकि रिफ़्रेशमेंट शाम को मिलनी चाहिए लेकिन इन्होंने रात को रिफ़्रेशमेंट दी है। बहरहाल अब हम बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्होंने रिफ़्रेशमेंट में सर्व किया है। तो रिफ़्रेशमेंट में इन्होंने वेफ़र, बल्ले बल्ले, कपकेक और कर्लिस का एक एक पैकेट दिया है और साथ में एक एक्लेयर टॉफ़ी दी है। और हाँ, एक छोटा ग्लास कोल्ड ड्रिंक का भी सर्व किया। और इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 का टाइम है और बस ने डिनर के लिए मुल्तान मोटरवे में तकरीबन हाफ आवर के लिए स्टे लिया है। तो डिनर के लिए मैं स्पेशल घर से मटन कढ़ाई बनाकर लेकर आई थी जिसे हमने खाया और इंजॉय किया। डिनर के बाद हमारी कोच अकेन आगे की जाने रवाना हो गई। क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी है और अंधेरा खासा छा चुका है, तो अब मैं रेस्ट करूंगी और अपने मोबाइल को मैं चार्ज पर लगाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह। और अब हमारी कोच ने फजर की नमाज के लिए सवात मोटरवे में तकरीबन 15 मिनट के लिए स्टे लिया है। और ये सुबह का टाइम है, इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे हैं और हमारी बस जो है
चाय के लिए रुकी है, चाय और नाश्ते के लिए। तो नाश्ता तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे। और ये होटल है, कच्चा सा ढाबा हिस्सा है तकरीबन, इसमें रुकी है। बहुत तेज बारिश हो रही है और जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ये आप व्यू देखती है आपको, और ये हमारी बस है ब्लैक वाली। तो इस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग होटल के दरवाज़े पे खड़े होकर बारिश के नज़ारे ले रहे हैं और साथ ही हमने गर्मा गर्म चाय पी। सच पूछें तो हमें आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि बस यहीं रहें और इसी तरह बारिश के नज़ारे देखते रहें। और फिर 15 मिनट के बाद हमारी कोच आगे की जानिब चल पड़ी और इस वक्त मॉर्निंग के 5:34 का टाइम है और हमारी कोच सवाबी इंटरचेंज से गुजर रही है। और ये जो आपको कोच नज़र आ रही है, ये अलमासूम कोच है सवात की और ये कोच भी अहमद ब्रदर्स वालों की है। तो ये दोनों कोचें बनारस बस टर्मिनल कराची से एक साथ ही निकली हैं और इस वक्त हम लोग सवात मोटरवे से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है, बहुत ही स्मूथ मोटरवे है और इस मोटरवे में हमारा फर्स्ट विजिट है। इससे पहले हम दो बार लोअर देर जा चुके हैं मालाकंड के रास्ते से। तो कराची से लोअर देर का जो टोटल ट्रैवल है बाई कोच 20 घंटे का है और इस्लामाबाद से लोअर देर का जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे का है बाई कोच। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि हम लोगों ने माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया है और लास्ट ईयर हम आज़ाद कश्मीर गए थे जहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स बनाए हैं। तो टाइम मिले तो मेरे व्लॉग्स को आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे तमाम व्लॉग्स ज़रूर पसंद आएंगे। तो इस वक्त हम लोग सवात मोटरवे की फर्स्ट टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो देखें कितना खूबसूरत सा ये टनल है और ये सारा टनल है और अब हम टनल से बाहर निकलने हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा टनल है, तकरीबन 1 मिनट बाई कोच इसका डिस्टेंस है और इस वक्त लिटरली कान हमारे बंद हो रहे हैं क्योंकि कोच जो है हमारी चढ़ाई की जानी पड़ रही है। और अब हम सवात मोटरवे के सेकंड टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन नज़ारे हैं ये। और लीजिए जनाब, अब हम सवात मोटरवे के थर्ड टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो अब हम थर्ड टनल से निकलकर फोर्थ एंड फाइनल टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सवात मोटरवे के तमाम टनल ख़त्म होते हैं और अभी भी सवात मोटरवे का बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़र रवा दवा है। तो देखें लेफ़्ट साइड पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, गंधारा तहजीब व सकाफत की ज़मीन पर खुश आमदीद, वेलकम टू गंधारा। तो अब जो है सवात मोटरवे ख़त्म हो चुका है और ये जो है दीर का इलाका है और तिमरगिरा पहुंचने में हमें हाफ आर है। हाफ आर के बाद हम लोअर दीर तिमरगिरा के बस स्टैंड में पहुंच गए हैं। तो ये सारा तिमरगिरा का बस स्टैंड है। तो सुबह के 7:08 में हम लोअर दीर तिमरगिरा पहुँचे हैं। तो हमारी कोच का जो टोटल ट्रैवल रहा है वो 20 घंटे का रहा है और बहुत ही अच्छा और टफ ट्रैवल रहा है। अच्छा इस सेंस से रहा है कि हम एक ही कोच से कराची से लोअर दीर तक पहुँच गए और टफ इस सेंस से रहा है कि अहमद ब्रदर्स कोच की सर्विस को और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मेरे चैनल की यही कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के कोने कोने को एक्सप्लोर करें और इसकी कल्चर को रिप्रेजेंट करें। तो मेरा वो वाहिद फैमिली और कुकिंग चैनल है जिसमें हम मुश्किल गुजार और खूबसूरत रास्तों से गुजर कर अपने प्यारे पाकिस्तान के कोने कोने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे कोच के पैसेंजर का लगेज बाहर निकाला जा रहा है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में ये बताऊँगी कि हमने लोअर दीर में क्या किया और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी जगह है। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।